बच्चों वर्ण विचार की दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों व्यंजन के चार भेद होते हैं। नंबर एक, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों का से मा तक की श्रेणी में जो आते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नंबर दो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं, ये संख्या में चार हैं, जैसे या, रा, ला, वा। नंबर तीन, ऊष्म व्यंजन। ये भी संख्या में चार हैं, श, स, सा और हा। नंबर चार, संयुक्त व्यंजन। ये भी संख्या में चार हैं बच्चों, छ, त्र, ज्ञ और श्र।